सब्सक्राइब कीजिए एडुजोस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, ये सबसे एसएससी स्टेनोग्राफर का हम वीडियो रेगुलर डाल रहे हैं, तो 11 और 12 का डल चुका है वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये 13 सितंबर यानी 13 सितंबर का वीडियो है। आप हमसे फेसबुक पेज पर भी हमारा जुड़ सकते हैं, उसमें भी हमारा edujosh1 और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हुआ है। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। edujosh.com वेबसाइट से भी जा सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैं आपको बता दूं, बार बार जो है CGL के जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं स्टेनोग्राफर में, और वही रिपीट होंगे MTS के एग्ज़ाम में भी। तो आपको देखिए, ये जितने भी इतने सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे हम वीडियो बना चुके हैं। आप जाइए SSC CGL के पेपर्स को देखिए, हमने जो वीडियो बनाई है डिस्कशन रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। तो देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा गया है वृद्रथ, ठीक है, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अब देखिए, पूछा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, इससे पहले पूछा गया था विक्रमशिला का, ठीक है, उसके पहले मैंने आपको उसमें बता दिया, मैंने आपको नालंदा का बता दिया, अब आप लोग याद रखिएगा तक्षशिला, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने 1916 में स्थापना की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको BHU बोलते हैं, ठीक है। अमर्त्य सेन को पूछा गया किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, कल बता दिया था मैंने कि आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा सब कुछ। तो ये तो पुराना पूछा जा रहा है, अभी आप देख लीजिएगा लेटेस्ट में नया जो नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स केमिस्ट्री, और उसमें उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब देखिए पूछा गया कि भूटान किसके साथ बाउंड्री जो है सीमा जो है वो शेयर नहीं करता, ठीक है, ऑप्शन में जो होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा। और लेकिन मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, देखिए सिक्किम राज्य के साथ सीमा शेयर करता है, कोलकाता के साथ, आसाम के साथ, ठीक है, ये शेयर करता है भूटान, तो बाकी जो होगा वो नहीं करता है। नेपाल के साथ हमने आपको बताया, देखिए रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने आपको वीडियो में पहले भी बताया हुआ, मैं इसका लिंक दे दूंगा इसमें वीडियो में। बिहार, यूपी, कोलकाता, सिक्किम, इसके साथ नेपाल शेयर करता है इस राज्य के साथ, ठीक है। उसका देखिए चीन जो है, चीन भी जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो इन सब से चीन जो है शेयर करता है बाउंड्री। अब एक सवाल पूछा गया है कि सिल्क वर्म, जिसको रेशम का कीट बोलते हैं, तो सिल्क वर्म जो है वो किस पौधे की पत्ती पर पाया जाता है, तो ये मलबरी के पत्ती पर पाया जाता है, जिसको शहतूत बोलते हैं। यूरेनस के उपग्रह की संख्या पूछा गया है कि कितने हैं, तो ये टोटल जो यूरेनस के सैटेलाइट की संख्या है वो है आपका 27, ठीक है। उसका देखिए CFL या LED योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो ये उजाला योजना है, ठीक है, इसका नाम, और ये मई 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, माउंट एवरेस्ट का जो है वो दूसरा नाम पूछा गया है नेपाल के अंदर, ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। उसका देखिए उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा गया, तो ये रसोई गैस से रिलेटेड है, ठीक है, BPL परिवार को रसोई गैस जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भी लॉन्च किया गया था 2016 में, ठीक है। उसके बाद देखिए रूसा, ठीक है, रूसा के बारे में सवाल पूछा गया है, रूसा जिसको फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, RUSA, तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था, और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया था इसको। अब देखिए पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो ये मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, ठीक है, जो पहले थी वो केवल 10 थी, पहले केवल 10 थी, बाद में इसको एक ऐड कर दिया गया इसमें मौलिक कर्तव्य, वो मौलिक कर्तव्य 2002 में जो है 86 संशोधन यानी 86वां संशोधन जो हुआ था उसमें ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है वो शिक्षा देना अनिवार्य हो गया माता पिता के लिए, तो ये इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य के अंदर आ गया। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A के अंतर्गत यानी भाग 4 क के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य किस में आता है, भाग 4 में। और उसके बाद मौलिक कर्तव्य के बारे में और बताएंगे, अभी पहले मौलिक अधिकार एक रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं, मौलिक अधिकार की संख्या बता देता हूँ। देखिए मौलिक कर्तव्य की पूछा गया, तो अधिकार की भी याद रखिए 6, पहले थे 7, अभी कितने हैं 6 हैं, ठीक है। इसमें से संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया, कब हटाया गया था 1978 में, ठीक है, 1978 में 44th संशोधन 44वां संशोधन जो हुआ था उसमें हटा दिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो आता है किसमें आता है, भाग 3 में आता है। तो 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें संविधान में जोड़ा गया था क्या, मौलिक कर्तव्य,
ठीक है, 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और ये आता है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ठीक है, उसका देखिए एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये दो चीज़ था, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है और जो ये आता है ये भाग 4 के अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आयरलैंड कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। तो सवाल पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार अगर पूछा जाए कि कहाँ से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, और ये स्वतंत्रता का अधिकार एक क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है आज के एग्जाम में कि ये किस भाग के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 19 से लेकर 22 तक आता है ये, 19 से लेकर 22 जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11, मौलिक अधिकार की संख्या 6। मौलिक कर्तव्य पहले थे 10, मौलिक अधिकार थे पहले 7। इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संशोधन में 1978 में हटा दिया गया। ठीक है, भाग 3 में आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये अनुच्छेद 300A में जो आता है वो संपत्ति का अधिकार आता था। ठीक है, पहले आता था जो मौलिक अधिकार में, अब उसको संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। भाग जो है ये मौलिक अधिकार का 3 है, भाग 3, और ये है भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संशोधन में संविधान में जोड़ा गया था 1976 में, और ये आता है अनुच्छेद 51A में आता है। ठीक है, अब ये चीज़ें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।